वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना ये हमारा परम कर्तव्य है आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है बिना अपने कर्तव्य के बिना अपने स्वधर्म किए बिना जो है अपने आ, स्वकर्म किए हमारा जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है पशुओं से हम ऊपर उठें पशुवृत्ति से ऐसी कुत्सित मनोवृत्ति से ऊपर उठें इसके लिए जो तथ्य है जो सत्य है जीवन का और जगत का उसको हमको धारण करना चाहिए परम पिता परमेश्वर की हम सब बड़ी कृपा है बड़ी उसकी अनुकंपा है उसने हमको मानवीय जीवन दिया है और इस जीवन को पा करके हमको इसको मिट्टी में नहीं मिलाना इसको हमको असफल नहीं बनाना इस जीवन को हमको सफल बनाना है सक्सेसफुल बनाना है उसके लिए निरंतरता से सत्य की खोज करके सत्यमय जीवन जी करके हमको आगे बढ़ना चाहिए परमात्मा ने जो जीवन हमको दिया जगत दिया है ये हमारी ही उत्कर्ष के लिए दिया है हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त करें पुरुषार्थ चतुष्ट इससे युक्त हमारा जीवन हो इसके लिए वासनाओं से मुक्ति हो और प्रभु की उपासना से हमारी युक्ति हो तभी हमारी उन्नति होगी तो बहुत सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखूंगा ऋग्वेद के आठवें मंडल के नब्बेवें सूक्त के चौथे मंत्र को आपके समक्ष पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा बहुत ही सुंदर बात कही है ओम तम ही सत्यो न तो वृत्रा

इन जैसे सत्व शविष्ठ स सविष्ठ वज्रहस्त वज्रहस्ता, वज्रहस्ता

रासुसेर्वांचम रईमा कृधि रईमाकृदि ऋग्वेद के आठवें मंडल के नब्बे सूक्त है और इसका यह चौथा मंत्र मंत्री सत्यो मघवन्ना नाम नतो वृत्रा भूरी रिंजसे सा शविष्ठ वज्रहस्ताशुशेर्वांचम ओम कृधि हि सत्यो मघवन्ना तो वृत्र भूरी निजसे सविष्ठ वज्रहस्ता दाशुशेर्वांचम रयिमा कृधि बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कहा कि हे मघवन जो सदा ऐश्वर्य देने वाला है सदा सबको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला है आप तम ही सत्य है आप ही सत्य स्वरूप हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम शिवम सुंदरम अलग अलग संदर्भों में हमारे शास्त्रों में चर्चा आई है तो कहा कि सत्य अनानतः प्रभो हे प्रभो आप ही सत्य स्वरूप हैं अनानतः किसी से भी पराभूत नहीं किए जाते अर्थात संसार में ऐसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है जो आपको पराभूत कर सके आपको पराजित कर सके आप सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली हैं आप तो वासनाओं को आप इस संसार की जो भोगवृत्ति है उसको आप नष्ट करने वाले हैं वृत्रा वासनाओं को भूरी खूब ही रिंज से नि करोशी पराभूत करते हैं हे सविष्ठ सर्वाधिक शक्ति संपन्न वज्रहस्त हाथ में वज्र लिए हुए प्रभो सह तम वे आप दासुषे निसंदेह है, है दासवान जो दानशील हैं उनके रक्षक जो दास भाव से आपके शरणागति को प्राप्त किए हैं उनके रक्षक पुरुषों के लिए आप रईम अरवांचम आकृदि धन को सर्वतः अभिमुख करिए आप दानशील पुरुषों को धन प्राप्त कराते ही हैं इसलिए हे प्रभु आपके जो प्रियाचरण में चलते हैं आपका आदेश उपदेश संदेश जो मानते हैं आप सत्य स्वरूप हैं आप सत्य और रित की स्थापना करने वाले हैं इस संसार को एक एक पल आप रक्षा करने वाले हैं उसकी सुरक्षा करने वाले हैं आप ही प्रभु सत्य स्वरूप किसी भी शत्रु से कभी पराभूत नहीं होने वाले हैं प्रभु हमारे लिए वासनाओं का विनाश करके ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं ऐश्वर्य से हमको युक्त करते हैं और जो न्यूनताओं से ऊपर उठ जाता है वो ऐश्वर्यवान हो ही जाता है तो आपकी भक्ति करने से हमारे न्यूनताएं दूर हो जाती हैं हम सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे सुंदर जीवन को जीने के लिए समर्थ हो जाते हैं जो हमारे आ, संपूर्ण उत्कर्ष का कारण बनता है यह कारण आपकी कल्याणी वेदवाणी से जो हमको जो है सत्य तथ्य का ज्ञान हुआ है इससे हमको प्राप्त होता है और आप सबके व्रतों का रक्षण करने वाले हैं किसी ने आपके शरणागति को प्राप्त करके आपके भाव को हृदय में संजो करके कोई संकल्प लेता है तो आप उसको पूरा कर देते हैं पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि हाँ बस कोई मान्यता मान ली कि प्रभो ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए और हम ये करेंगे वो करेंगे ये सब बातें नहीं जो पुरुषार्थ करेगा वही अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करेगा बिना पुरुषार्थ किए तो कुछ होता है नहीं इसलिए यह जो संकल्प से अपने जीवन को जीता है संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो कहा कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामी तक्ष केयम इदम अहम अनता सत्यम मुपैमी तो हे प्रभो आप जान प्रकाश मय प्रभो कर्मों के रक्षक प्रभो हे ईश्वर मैं उत्तम कर्म करूँगा ऐसा मैं संकल्प करता हूं और उत्तम कर्माचरण से मैं समर्थ हो सकूं, मेरे कर्म को मैं सिद्ध कर सकूं, मेरे कर्म की सिद्धि मेरे आ, सामर्थ में हो ऐसा आप मुझको बनाइए मैं अनृत से पृथक होकर के सत्य को प्राप्त होता हूं, आप सत्य स्वरूप हैं मुझको सत्य में प्रतिष्ठित कीजिए सत्य में वो जयते नानृतम जो अनृत है ना अनृत से जो चकाचौंध है जो संसार का एक मुखौटा बनावटी जो स्वरूप है कि बाहर से कुछ अंदर से कुछ बाहर से तो सुख लग रहा है लेकिन अंदर तो दुख ही दुख ही है तो इससे मैं सजग रहूं सावधान रहूं मुझको अनृत से सत्य के राह पर लाइए प्रभु इसका सामर्थ मुझको दीजिए और इस प्रकार से जो जीता है वह निसंदेह जीवन में उत्तम आ, कर्म करता है नास्ति सत्यात् धर्मो नृता कम परम स्थितिरिहि सत्यम धर्मस्य तस्मात् तस्मात्म न लोपयेत महाभारत में बहुत सुंदर बात कही है कि नास्ति सत्यात् धर्मो जो सत्य की बात यहाँ पर चल रही है वेद मंत्र में भी कहा तुम ही सत्यो तो आप सत्य स्वरूप हैं आप सत्य स्वरूप है इसलिए कहा सत्य से बढ़कर के कोई अन्य श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं नहीं नास्ति परो धर्म सत्य ही साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप प्रभु जी ता के हृदय तो सत्य बोलना ये सबसे बड़ा पुण्य है और झूठ बोलना ये पाप है क्योंकि प्रभु का स्वरूप सत्य स्वरूप है इसलिए ऋषियों ने उपदेश किया सत्यम वद धर्मम चर सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो सत्य ही हमारे जीवन का उत्कर्ष कर सकता है बनावटी या जो अनृत है जो क्षणिक है उससे हमको सुख मिलने वाला नहीं उससे उन्नति मिलने वाली नहीं है इसलिए कहा सत्य से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं ना अनृता जो है पातकम परम जो सबसे बड़ा पाप का कारण है जो सबसे ज़्यादा नरक की ओर ले जाने वाला है वो क्या है असत्य वो झूठ है इसलिए झूठ बोलना छोड़ करके सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात इसको भी मनुस्मृति में कहा है तो कहा कि ना अनितात्पातकम परम स्थिति ही सत्यम कहा इसलिए तुम सत्य का जो है संबल लेकर के आगे बढ़ो सत्य ही धर्म का आधार है सत्य के बिना ये धर्म का आधार भी आधार नहीं रहेगा और कहा अतः सत्य का लोप मत करो सत्य का कभी भी लोप नहीं करना चाहिए सत्य में आ, जो है हमारा जीवन हो और सत्यम प्रयात बोले क्या करें सत्य तो बोलते हैं लेकिन सत्य तो बुरा लग जाता है स, जो सच्चाई तो कड़वी होती है ऐसा लोग बोलते हैं सच्चाई कड़वी है अरे सच्चाई को बोलने के भी तरीके होते हैं सच्चाई को कैसे बोलना है हजारों ढंग से आप बोल सकते हैं अब किसी को भी आप कुछ भी बोलेंगे आ, किसी का जो है शरीर अक्सर देखते हैं प्राय हम देखते हैं तो दिव्यांग हो जाते हैं अब दिव्यांग कह दिया एक आ, आ, दूसरा शब्द हो गया दूसरा उसका भाव चेतना हो गया अब किसी को बोलो लंगड़ा बोल दो किसी को लूला बोल दो किसी को काढ़ा बोल दो तो जो है ऐसे बात तो ठीक है लेकिन उसको बोलने का तरीका आना चाहिए हम यदि अपने भाव को अच्छे से रखते हैं तो संदेह किसी को उसमें बुरा नहीं लगता है तो ये अपना अपना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अपना नज़रिया होता है कोई आधा गिलास पानी है तो कोई बोला कि गिलास में आधा पानी है आधा गिलास खाली है एक ये भाव हो गया बोलने का दूसरा भाव ये है कि गिलास में पूर्ण जल नहीं है या गिलास जो है पूर्ण नहीं है अब दोनों बात है तो एक सकारात्मक एक जो है नकारात्मक तो अपने भाव में हमको सत्य बोलना है इसलिए मनु महाराज ने भी कहा है कि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम नृतम ब्रुयात ऐसा धर्म सनातन सनातन धर्म का तत्व क्या है इसका बोध क्या है तो यहाँ पर कहा कि सत्यम ब्रुयात तुम सत्य बोलो जो मनुष्य है मनुष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि सच्चाई के साथ जीवन को जिए और सत्य बोले सत्य के साथ प्रिय बोले रोज हम मंत्र पाठ करते हैं देव सविता प्रसुभ यज्जम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केत पुहु केतम न पुनातु वाचस्पतिर, वाचम न स्वदतु हे वाचस्पति हे वाणियों के स्वामी परम पिता परमेश्वर हमारी वाणियों को रसदार बनाइए तो रसदार नीरस नहीं कड़वी वाणी नहीं हम स्वयं अपने वाणी को अच्छा करने का प्रयत्न करें तो सत्य बोलो सत्य बोलो और प्रिय बोलो तथा ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो सत्य के बोलने में भी विनम्रता हो सत्य के बोलने में भी समरसता हो सत्य के बोलने में भी किसी को हम दुख ना पहुँचाएँ ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए और कहा है कि प्रियम चा अनृतम रुयात ऐसा धर्म सनातन प्रिय वचन ना बोलें जो असत्य हो कुछ लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं बिल्कुल मक्खन बिल्कुल मुख में ऐसा लगता है कि जो है अमृत है लेकिन उनके हृदय में विष घुला होता है वे आ, बाहर कुछ अंदर कुछ गिर तरह के तरीके रंग बदलते रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंदर है वही बाहर हो जो हृदय में है वही वाणी में होना चाहिए मन में है वाणी में होना चाहिए वाणी में है तो व्यवहार में होना चाहिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए इसलिए यही सत्य सदा से चला आ रहा है इसी सत्य को इसी धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं और उपनिषदों में जो अभी बोलते हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम बहुत सुंदर बात कही उपनिषद में सत्यमेव जैते ना नृतम सत्यन पंथा वितो देवयान ये ना क्रम हि यत्र ये परम निधानम बहुत सुंदर बात कही कि जो सत्य ही जीतता है असत्य की कभी विजय नहीं होती है झूठ कभी जीतेगा नहीं लेकिन आज की जो परिभाषा हम इसको कहते हैं तो आज तो न्यायालय में जाकर के लोग झूठी गवाही दे देते हैं झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं सत्य कुछ होता है और दिखाया कुछ जाता है इसलिए अनेक बार इस सत्य की भी हार देखी जाती है यद्यपि ईश्वर का एक विधान संविधान है जैसे हर देश का राज्य का कुछ ना कुछ विधान संविधान होता है कुछ आ, कानून होते हैं रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो प्रभु की भी यही रीति है ये वेद का जो आदेश उपदेश संदेश है या भी विधान है यहाँ तो हो सकता है कि उसको कोर्ट में उसको न्यायालय में झूठी गवाही देने पर जो है जो झूठा है उसको विजय मिल जाए लेकिन जिसने भी झूठ का सहारा लेकर के विजय प्राप्त की है वह एक न एक दिन धोखा खाएगा उसके जीवन में अनेक कष्ट आएंगे जिसको सत्य को जिसने दबाया है और सत्य को भी कभी ऐसा निराश नहीं होना सत्य तो सत्य है सत्य सदा एक जैसा रहता है सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई भी यह किसी भी प्रकार से कोई बात करे तो सत्य हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए सत्य में वो जैते नानतम सत्य के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा सत्य को विजयी बनाने के लिए एक एक पल पल जागरूक होना पड़ेगा यदि कहीं भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी अपने को हम निर्मल बनाए निर्बल नहीं बनाए अपने को हम सबल बनाए सफल बनाए हम विफल न बनाए तो यह बहुत ही उन्नत जीवन हो जाएगा और यह सत्य से ही देव यान मार्ग विस्तृत होता है सदाचारी विद्वानों का यह मार्ग अवश्य उनको प्राप्त होता है जिससे कि पूर्ण अभिलाषा वाले ऋषि लोग उस पद को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का परम भंडार है सत्य ही वास्तव में जीने का आधार है सत्य से ही धर्म है सत्य से ही यह संसार है सत्य जिस दिन नहीं होगा उस दिन यह सारा संसार भी नहीं होगा अर्थात सत्य तो परमात्मा का नाम है जिस दिन परमात्मा नहीं उस दिन संसार नहीं क्योंकि यह धरती धैर्य से सत्य से चलती है और जो हम एक बात करते हैं आपस में भी हम यह देखें कि कोई व्यक्ति बहुत झूठा है बहुत झूठा हर बात में झूठ बोलता है असत्य बोलता है अब वह व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला है वह व्यक्ति भी कभी एक बार भी नहीं चाहेगा कि उसका मित्र उससे झूठ बोल दे उसकी पत्नी उससे झूठ बोल दे उसका बेटा बेटी उससे झूठ बोल दे उसका शिष्य उससे झूठ बोल दे जो व्यक्ति किसी भी रूप में है गुरु के रूप में है आचार्य के रूप में पति के रूप में है पत्नी के रूप में है या जो है गुरु शिष्य या जो कुछ भी है वो भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बेटी उस कोई भी संबंधी उससे झूठ बोले तो स्वाभाविक क्या है स्वाभाविक है सत्य सत्य क्योंकि परमात्मा का नाम है वो हर क्षण हर पल हमारे अंग संघ है ऐसा हमको अनुभव करना चाहिए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं और सदा सत्यमय जीवन हो सत्य से युक्त हो ओम शांति शांति शांति